मोहसिन जी, फिलहाल कहाँ है? फोन पे बात हुई है, पहुंचने वाला होगा, वो तो आ ही जाएगा। तुम ये बताओ कि बारात के देर है, 2 बजे आना था, 4 बज रहे। कह तो तुम ठीक रहे हो, इतनी देर लगा दी, कब आएंगे? अम्मी को कहती हूँ कि पता करें वलीद से कहाँ पे रह गया, खाना भी ठंडा हो रहा है। इन अमीरों के चोंच लेना मुझे समझ में नहीं आते, जान बूझ के देर से आते ताकि इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ सके, बता रही हूँ। आशिक है वो, और आशिक तो अपने महबूब के दर पे जल्दी आते हैं, देर नहीं करते। हाँ, तभी तो तुम अपनी बारात पे आधा घंटा पहले ही आ गए। हमारी तो तैयारी भी मुकम्मल नहीं हुई थी, इतनी हलचल हुई थी ना कसम से। अब मुझसे बड़ा कोई आशिक तो नहीं हो सकता ना तुम्हारा मेरी जान। हाँ, अब तो मुझे भी तुम्हारी आशिकी पे फख्र होने लगा है, लेकिन पहले मुझे लगता था कि वलीद से ज्यादा जीदार आशिक तो कोई और हो ही नहीं सकता। उसने हमारी मोमानी को मना लिया शादी के लिए, कयामत की निशानी। और अब? अब अगर वो आ जाता है तो तुम्हारा दर्जा 1 नंबर कम हो जाएगा। और ना आया तो? तो फिर तो लिस्ट से उसका नाम ही निकल जाएगा। लो आ गया। हाँ जी, क्या बातें हो रही हैं? भाई कम से कम यहाँ तो अपनी आशिकी छोड़ो, ससुराल है आपका। अच्छा जनाब, तुम्हें भी देख लेंगे, इस रास्ते पे जरा चंद कदम और तो आगे चलो, तुम भी देखना बहुत बड़े आशिक बनोगे, बता रही हूँ मैं तुम्हें। अच्छा, लेट्स सी। सुन लिया, हौसला हो गया। पीछे देखो, पीछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आई एम गुड। आपको उरुसा बुला रही है, जल्दी चलो। हाँ, मैं आती हूँ।